खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। तेज रफ्तार का कहर, ग्यारसपुर के पास नेशनल हाईवे 146 बरमड़ी के स्टॉप पर हुआ एक्सीडेंट। बस स्टॉप पर खड़ी बस में घुसी सफारी कार। थाना त्योंदा के अंतर्गत आने वाली बरमड़ी प्रीत बस MP04PA3118 जो कि भोपाल से पठारी चलती है, पठारी से लौटते समय बरमड़ी का स्टॉप पर खड़ी थी। भोपाल की तरफ से आ रही सफारी कार MP49C4201 एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में खड़ी हुई बस में घुस गई। सहायक उप निरीक्षक एस के नायक थाना त्योंदा ने बताया कि 6 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं एवं सफारी में बैठे 2 लोग घायल हो गए हैं। बस ड्राइवर बस को छोड़कर भाग गया। सफारी के ड्राइवर मधुप्रसाद भोपाल से नरसिंहपुर जा रहे थे, जिन्हें भी मामूली चोटें आई हैं। सभी को ग्यारसपुर 108 वाहन से ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद सभी को छुट्टी दे दी। ये सफारी वाले हैं जो भोपाल से आ रहे थे जी, नरसिंहपुर जा रहे थे जी, और बरमणी के पास उसके आगे मोटरसाइकिल आ गई, जिसको मोटरसाइकिल वाले को बचाने के चक्कर में गाड़ी इस तरफ मोड़ी, सामने से आ रही थी बस जी, प्रीत बस है जी, उससे जी टकरा गई, जिसमें 6 यात्री घायल हैं अपने बस वाले जी, और 2 यात्री घायल हैं सफारी वाले जी। जो 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 ड्राइवर हैं बस के, उनको ज़्यादा गंभीर चोट है या फिर गंभीर चोट किसी को ज़्यादा विशेष नहीं है, बाकी सभी को प्राथमिक उपचार के बाद विदिशा रेफर किया जा रहा है। ग्यारसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद विदिशा रेफर, हाँ विदिशा रेफर, जिसको ज़्यादा चोट होगी उसको विदिशा रेफर करेंगे। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा तहसील ग्यारसपुर से सीताराम कुशवाहा के साथ प्रेम नारायण सूर्यवंशी की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।